नमस्कार दोस्तों, यादव प्लम्बर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज जानेंगे कि अपना सीवर लाइन कैसे डालते हैं और कौन सा सेफ्टी बरतना चाहिए कि अपने को सीवर लाइन पे लोड भी ना पड़े, और कितना इंची लेवल देना चाहिए। अभी अपना इधर अपना मेन जो जॉइंट करना है सीवर लाइन में, उधर एक चैम्बर बन रहा है, उसको कब मेन चैम्बर को तोड़ना चाहिए पूरा डिटेल के साथ आपको बताएँगे, और चैम्बर कितने बाई कितने का बन रहा है वो भी आपको डिटेल से बाई डिटेल बताएंगे। एक्चुअली ये कंपनी का काम है, तो कंपनी में कौन सा चैम्बर बनता है वो भी आपको बताएंगे। और पहली बात, कभी भी अपना सीवर लाइन का पाइप उठा के तो आप डाल नहीं सकते हैं। कैसे डालते हैं, इसका प्रॉपर तरीका कैसे डाला जाता है सीवर लाइन का पाइप अपना सीमेंटेड का पुलिया बोलते हैं, सीमेंटेड पाइप भी बोलते हैं, नाला भी बोलते हैं। अभी कैसे डालेंगे वो भी आपको दिखाएंगे प्रॉपर तरीके से, आपका एक इंच भी टूटेगा नहीं पाइप आपका सीमेंट का। अभी अपना इधर चैम्बर बन रहा है, अभी यहाँ से अपने को आगे पाइपलाइन पूरा डालने का है, यहाँ से लेके वहाँ तक का लमसम अपने को 350 फुट पाइप डालने का है, ऐसा पुलिया वाला। वो अपना एक फुट का ये पाइप है, 1x8 का, 8 फुट लंबा और 1 फुट उसका चौड़ाई। अभी इसको कैसे पैक करते हैं आप, जो जॉइंट होता है ना उसको कैसे पैक किया जाता है। अभी देखिए इधर अपना पैक हुआ है, जो अभी एक्चुअली उसमें हल्का सीमेंट ज़्यादा रहेगा, जो आप रेती डालेंगे बालू डालेंगे तो रेती कम रहेगा, हल्का सीमेंट उसमें ज़्यादा रहेगा, क्योंकि ये मिट्टी में जाने वाला है। इसका जॉइंट अच्छा से पैक होना चाहिए, इसका जॉइंट अच्छा से पैक होगा तो अंदर अपना लीकेज नहीं होगा पानी। अभी देखिए यहाँ से अपना पाइप ला रहे हैं ये लोग, अभी आगे अपना अभी आगे जो अपना आगे पाइप लाएंगे आगे से, वो बम्बू के सहारे आप ला सकते हैं। बम्बू के सहारे लाने के बाद देखिए बम्बू के सहारे आगे ला रहे हैं ये लोग, सीधा जेसीबी भी लगा है, ये अपना बम्बू के सहारे ला रहे हैं। और यहाँ से अभी कैसे डालना है इसमें, बम्बू के सहारे तो डायरेक्ट डाल नहीं सकते हैं, कैसे डालेंगे वो भी आपको बताएंगे। वीडियो लास्ट तक देखें, आपको आपको सारा जानकारी मिलेगा। एक गलती होगा अगर 10 मिनट के लिए आप वीडियो नहीं देखेंगे तो अपना ये पाइप आपका टूट सकता है। इसका प्रॉपर तरीका आपको मालूम हो जाएगा तो आप कितना भी पाइप डाल लेंगे डालते डालते चला जाएंगे आप। अभी इसमें से मुंडा निकाला जाएगा, इसके बाद क्या पड़ेगा इसमें किस सहारे से नीचे जाएगा पाइप, देखिए मुंडा अपना निकाला जा रहा है। आगे से अपना जेसीबी खोदते जा रहा है गड्ढा, और पीछे से अपना पाइपलाइन पड़ते जा रहा है। अभी मुंडा में अपना रस्सी बांध के रस्सी खींच लिए, अपने को जड़ा रस्सी चाहिए 16 mm का, 16 mm का रस्सी चाहिए जिससे कि अपना वजन ये रोक सकें। अभी रस्सी अपना आगे आ गया, अभी रस्सी के सहारे अपने को नीचे लेना है आराम आराम से कि पाइप टूटे नहीं। क्या होता है पाइप अगर टूटेगा तो कोर उसका टूट जाता है, फिर अपने को जॉइंट करने में अच्छा नहीं बैठेगा। अपने को पाइप नीचे कर रहे हैं धीरे धीरे मुंडा के सहारे, हल्का हल्का हाथ भी लगा सकते हैं आप, आगे से हाथ लगा सकते हैं। हाथ कभी भी सेफ्टी फर्स्ट सेफ्टी, फिर अपने को काम करना है। सेफ्टी रहेगा कोई दिक्कत नहीं रहेगा अपने को, पहले सेफ्टी फिर अपने को काम। अभी पाइप को धीरे धीरे नीचे डालेंगे, अभी एक्चुअली कंपनी का काम है तो सेफ्टी से काम करना पड़ेगा। अभी सबके पैर में सेफ्टी सूज आराम से अनिवार्य है कंपनी के अंदर, बिना सेफ्टी सूज के अंदर कंपनी में नहीं आना है। अब देखिए ये हल्का हल्का डाल रहे हैं नीचे, यहाँ से नीचे हल्का हल्का जाने देंगे इसको, एकदम आराम से जाएगा पाइप अपना।
एकदम आराम आराम से आ गया पाइप अपना। अब देखिए यहाँ से वहाँ तक अपना पाइप डाल दिए। अभी इसका जॉइंट अच्छा से पैक करना चाहिए। जॉइंट अच्छा से पैक रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। गर्मी मार दीजिए कभी भी इसका, अगर इसके ऊपर आप मिट्टी डाल रहे हैं तभी। एक्चुअली महाराष्ट्र क्या है, महाराष्ट्र ये पहाड़ी इलाका है, तो इसमें पत्थर डालेंगे तो उसके ऊपर से ट्रक भी रख जाएगा तो दिक्कत होता है। तो पत्थर डालें पहले, उसमें मिट्टी डाल के, बारीक मिट्टी डाल के फिर अपने को पत्थर डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा। पहले मिट्टी डालें, कोई भी पाइप हो पहले मिट्टी डाल के फिर अपने को सीवर लाइन का ऊपर से पत्थर डालना चाहिए। अभी हाथ से खींच के इसको आगे कर रहे हैं। बस बस अभी यहाँ पे अपने को जॉइंट करना है यहाँ पे। अभी दोनों तरफ से हाथ लगाएंगे, हल्का से उठा के इसको लगा देंगे। अभी देखिए यहाँ से वहाँ तक अपना पाइप पड़ गया। अभी लेवल दिखाते हैं आपको, इधर अपना लेवल है। स्पीड लेवल से आप लेवल देख सकते हैं। आगे साइड से हल्का से उठा होना चाहिए, 10 से 15 mm। 10 से 15 mm एक एक पाइप में आप ढाल देते जाएंगे ना, 10 से 15 mm, तो अपना पाइप कभी भी पाइपलाइन चौकअप नहीं होगा। लेवल नहीं चाहिए अपने को, आगे तरफ ढाल चाहिए। 10 से 15 mm ढाल रहेगा ना तो पानी अपना आगे का पूरा पानी अपना आगे चला जाएगा। अभी अपना पाइपलाइन आगे का पड़ गया। अभी जेसीबी से बराबर भी हो रहा है, अभी जेसीबी से बराबर हो रहा है। अभी यहाँ से वहाँ तक का मिट्टी डाल दिया गया। पहले मिट्टी डाल के उसके ऊपर से पत्थर डाल के ऊपर से मिट्टी डाल के बराबर हो गया पूरा। अभी चैम्बर का भी दिखाते हैं आपको, चैम्बर कैसे बना रहे थे। ये अपना चैम्बर है जो बना रहे थे वो लोग। चारों तरफ से प्लास्टर होने के बाद चैम्बर ऐसा दिख रहा है क्या, ये आगे अपना कट कट होते हुए ऊपर आया है। जो अपना ऊपर है अपना इनलेट है, जो नीचे अपना दिख रहा है पाइप वो अपना आउटलेट है। आगे का पूरा अपना लेवल हो गया। पाइप डालने के बाद मिट्टी डाल दिया गया पूरा। अभी पूरा मिट्टी पैक हो गया। कभी भी आप चैम्बर बनाएं तो चैम्बर बनाने का जो नीचे का रहता है वो 3 फुट रहेगा, ऊपर आते 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 10 mm 15 mm काटते 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 ये अपना ऊपर 2x2 का चैम्बर हो जाएगा। वो राउंडिंग चैम्बर लगेगा इधर। उसका लोड रोकने का क्षमता ज़्यादा होता है, उस पर ट्रक भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं रहता है। अभी अपना पूरा पाइपलाइन पड़ गया आगे तक का। अभी अपना ये सीवर लाइन भी रेडी हो गया। कभी भी सीवर लाइन पहले उसमें होल मेन वाला में होल नहीं मारे। सब कुछ होने के बाद गोला वीला मारने के बाद वो बाद में एक आदमी ढूक के वो मार सकता है होल। क्या होता है वो, आप हथौड़ी से मारेंगे तो टूट जाएगा, हथौड़े से मार के फिर उसने तोड़ के आप उसमें से कचरा निकाल के बाहर फेंक सकते हैं। क्या होता है पहले अगर होल मार देंगे आप तो उसमें मसाला जाएगा, सीमेंट जाएगा, और सीमेंट सूखने के बाद मारेंगे होल तो अपना दिक्कत नहीं आएगा उसमें। अभी देखिए चारों तरफ से प्लास्टर हुआ है। अभी जो अपना मेन चैम्बर है वो नीचे वाला, उसको अभी तोड़ेंगे, अभी तोड़ के अपना निकाल देंगे। एक्चुअली अभी तोड़ेंगे तब ना उसमें सीमेंट नहीं जाने वाला है, सीमेंट नहीं जाएगा तो उसमें चौकअप नहीं होगा। अभी उसको तोड़ के फिर अपने को निकाल के जो मसाला गिरेगा तो देना है। अगर पहले तोड़ेंगे तो उसमें क्या होता है कच्चा मसाला जाएगा तो धीरे धीरे जाम हो जाएगा, आगे अपना चौकअप होने का दिक्कत रहता है। ऐसा अगर सीवर लाइन आप काम कर रहे हैं तो उसको ये अपना होल बाद में ही मारे तो सबसे बेस्ट होगा। ये अपना चैम्बर बन गया। ये आगे का अपना पाइप लाइन भी पड़ गया अपना वाला। ये अपना मेन लाइन जो नीचे है वो पहले से पड़ा है फिलहाल। अभी पूरा मिट्टी डालने के बाद ऐसा दिख रहा है। ये कंपनी का काम है, कंपनी के आगे वाला मेन सीवर लाइन का काम चालू है। अभी 300 लमसम सीवर लाइन 300-350 feet पड़ा है।
अगर इसका पहले वाला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जो अपना आगे बाथरूम का काम किए हैं, जो अपना इसके लिए सीवर लाइन पड़ रहा है, वो बाथरूम का आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। अपना दूसरा ये चैम्बर है, वो तो अपना आगे वाला चैम्बर आपको दिखा देते हैं पहले, आगे वाला यहाँ पे एक चैम्बर है, ये दूसरा चैम्बर है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।